नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापति पर स्वागत करता हूं आपका केटीएस न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। पानी की समस्या को लेकर लोगों ने लगाया जाम। कहीं बार क्षेत्र के लोगों द्वारा उच्च अधिकारियों को लिखित में सूचना दी गई, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला। दरअसल मामला सवाई माधोपुर जिले की तहसील गंगापुर सिटी का है, जहां सवाई माधोपुर रोड पर पूरी तरह से क्षेत्रीय लोगों ने जाम लगा दिया। जाम की स्थिति को देखते हुए मौके पर जलदाय विभाग के एक्सचेंज मौके पर पहुंचे और लिखित आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। क्या आपको एक महीने से पानी नहीं मिल रहा है? आपने किसी को शिकायत करी है? किसी को शिकायत किया क्या? हमने शिकायत करी भाई साहब, और शिकायत करी, 5 साल हो गए ही शिकायत करते करते। जाम लगाने के लिए आपने किसी को बोला था? बोला था ये बटर बॉक्स आ रहे हैं फैला दे, उसने बोला था कि जाम इनका जो इशू था कि पानी के कनेक्शन करवाने हैं, तो उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, मकान की रजिस्ट्री है, पट्टा है, ये लोग सबमिट करा। हम यहाँ 17 तारीख को डिसाइड करती है तारीख, कैंप यही लगा देंगे अपने अम्बेडकर धर्मशाला में। जो जो फाइल की डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, कनेक्शन सबको जारी करते हैं। तो पूर्व में इस जाम की सूचना नहीं दी गई थी क्या सर आपको? इस तरह कोई सूचना नहीं थी, नहीं मेरे से मिले, नहीं इन्होंने कोई अपनी समस्या से अवगत कराया। आए दिन समस्या इसकी जो पानी की बिकट होती जा रही है, उसके बारे में आपने क्या जो प्लान बनाया है कि कॉलोनी वासियों को पानी की बेहतर सुविधा मिल सके? ऐसा काम कंप्लीट हो गया, मिलान हो गया, पाइपलाइन जो 50 मीटर का टुकड़ा वो भी लेकर दिया। अब जब पाइप अप्लाई करेंगे तो उसमें टेस्टिंग में पानी छोड़ेंगे, और रहा एक PSC जो रेगुलर चल रही थी यहाँ पर लाइन पर, इसको चालू करा देंगे, इससे ये लोग यूज में काम में लेते रहते हैं।